उधर फोर्टाबास में संगदिल वालदैन अपने 8 माह के बच्चे को सड़क किनारे रखकर रफू चक्कर हो गए। खुली सड़क पर नन्ना शीरखार बच्चा सर्दी से ठिठरता रहा। सड़क किनारे सर्दी से ठिठरते हुए बच्चे को अहले मोहल्ला ने रेस्क्यू करने के बाद थाना मरवट पुलिस को इतला दी है। अभी बात करेंगे नुमान से। नुमान सईद, कहिएगा, ये इंतहाई अफसोसनाक अमल है। पुलिस ने बच्चे को रेस्क्यू कर लिया है, कौन है, किसका बच्चा है, कुछ पता चल सका? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है कि कुछ लोग औलाद के लिए जो है तरसते हैं तो कुछ नाशुक्र होते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि फोर्ट अब्बास में मरोड के चक जो है वो 316 एचआर की इजाफी बस्ती के करीब संगील वालदेन अपने 8 माह के बच्चे को सड़क किनारे रखकर रफू चक्कर हो गए। ऐसे ही लग रहा था कि जैसे बदनसीब वालदेन ने बच्चे को लवारिस करके सड़क के किनारे रखा है। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि खुली सड़क पर नन्ना शेरखौर बच्चा जो है वो सर्दी की ठठराहट से ठठराता रहा। सड़क किनारे सर्दी से ठठराते हुए बच्चे को अहले मोहल्ला ने रेस्क्यू कर लिया और थाना मरोड़ पुलिस को उतला दी, जिस पर जो है थाना मरोड़ पुलिस ने जो है नन्ने फूल को मोहम्मद सज्जाद को गोद दे दिया। मोहम्मद सज्जाद का यही कहना है कि मैंने जो है बच्चे को गोद ले लिया है और मैं बहुत खुश हूँ और बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी भी उठाई है। बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी उठाई है। नुमान सईद, आपका शुक्रिया। आप हमें अपडेट कर रहे थे। इंसानियत की तस्दील की गई।